हेलो फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब चैनल हिंदी गार्डनिंग पे और मैं हूँ आपके साथ में कोमल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम गार्डनिंग से संबंधित नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। देखिए, आज हम लोग जैम के बारे में बात करने आए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये हमारे पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है और गर्मियों में हमको ये किस प्रकार से बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले आप इसका व्यू करिएगा, ये थोड़ी सी बारीक है और ये थोड़ा सा इससे मोटा भी साइज में आता है, तो अगर वैसा है तो आप उसको भी बेहिचक ले सकते हैं। इन दोनों का एक ही बेनिफिट होगा। इसके साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जहाँ के एरिया की मिट्टी काफ़ी टाइट होती है, तो ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पेड़ पौधों से फल फूलों को गिरने से बचाता है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लांट्स में फूल आते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं, या कुछ ऐसे हम लोगों ने अपने पॉट्स में फ्लावर प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे कि तरबूज है, खरबूजे हैं और करेले हैं, मिर्च है, ऐसी पेड़ फल फूलों के अगर हमने प्लांट्स लगा रखे हैं तो उसकी बहुत जल्दी फूल गिर जाते हैं, फल आने से पहले पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता, तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको अपने पॉट्स में जिसमें ये आपके फल वाले प्लांट्स लगे हों या फूलों वाले, उसमें आप इसको डालिएगा, आपको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके फूल गिरेंगे तो भी नहीं, वो अच्छे फल भी देगा और ज़्यादा भी फल देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे कंट्री में ज़्यादा इसका चलन नहीं हुआ है और ये जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं डेवलप हैं जो, तो ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये समुद्र की जलवेल से हमको प्राप्त होता है, समुद्र की में जो जलवेल होती हैं उनको डिकम्पोस्ट करके इसको बनाया जाता है, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, तो ये गर्मियों में हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इतनी चम्मच के ला जगह इतनी भी चम्मच अगर इसका हो जाएगा तो ये हमारे प्लांट्स के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैसे कि गर्मियों में हम लोग मना करते हैं कि आप DAP NPK वगैरह ना दीजिएगा, तो उसके जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि DAP NPK वगैरह खाद ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको 4 दाने से अगर 6 दाने भी हो जाए तो वो हमारे प्लांट्स को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाएगा, और चूंकि समय गर्मियां हैं तो ये खादें तेज होती हैं, तो इसका अभी आप यूज़ करना बंद कर दीजिएगा 2-3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा, और उसकी जगह आप इसको यूज़ करिएगा। और इसको आप बहुत ही आसानी से खाद की दुकान से ले सकते हैं। खाद की दुकान हमारे शहरों में शहर से बाहर होती हैं या जहाँ पे अनाज की मंडियाँ वगैरह होती हैं, आपको आसानी से वहाँ पे खाद की दुकान पर ये मिल जाएगा। और ये मैंने 40 रुपये KG के हिसाब से ली है, आप अपने शहर में देख लीजिएगा ये कैसी मिलती है, इसके आसपास ही मिलेगी आपको। ये देखिए, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपने अगर एक बार भी इसको यूज़ नहीं करा है तो इसको आपकी यूज़ करके देखिएगा, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और ये बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, मैंने भी इसको इस बार जाड़ों में तो मैंने भी अपने प्लांट्स में सभी में DAP NPK वगैरह ही यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी 1 महीने से मैंने इसको अपने प्लांट्स में यूज़ करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने एक थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने प्लांट्स में सभी प्रकार के, वैसे तो प्लांट्स में आप इसको दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्लांट्स हो आप सभी में इसको यूज़ कर सकते हैं, एक गमले में आप इसका इतना बड़ा 1 चम्मच दे सकते हैं। इसके अलावा विंका जो सदाबहार होते हैं उसमें आप इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा, क्योंकि ये उसमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा जाता है, आप उसमें ये आधी चम्मच उसको दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अगर आपने अपने अपने पॉट्स में कटिंग्स लगा रखी हैं तो उसमें भी आप बहुत ही हल्की मात्रा में इसको दीजिएगा या फिर ना दीजिएगा,
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले वो आपको शो हो जाएगा। तो देखिएगा, तो फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी बनाई वीडियो कैसी लगी हो लगी है। और अगर आपको पेड़ पौधों से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।